Hello students, how are you? Today we start the remaining exercise. Okay, 1.4 depends on the binary operations, right? So we completed the four sums in previous lecture. So let's start the question number 5. Okay, what is the question number 5? Right, the first of that here. Question number 5. Let the star dash be the binary operation on the set 1, 2, 3, 4, 5 defined by the function A star dash B is equal to HCF of the A and B. Is the operation star has the same as the operation star defined in the exercise 4 above. Right, exercise 4 above. So and justify your answer. Okay, चलो exercise 4 में जो data हमारे सामने table दिख रहा है हम लोग इसका use करेंगे, right? चलो तो शुरू करते हैं question number 5. यहाँ पे देखते बच्चों question number 5 है. तो question number 5, चलो हमारे पास यहाँ पे normally क्या है, तो यहाँ पे ऐसा दिया है कि चलो here A स्टार बी, हियर ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या है, तो एच सी एफ ऑफ ए एंड बी. क्या है एच सी एफ ऑफ ए एंड बी. चलो मैंने ये कर दिया. तो देखो ऊपर के टेबल से हमें क्या मिला था, तो आप लिख सकते हो ना कि वन स्टार डैश वन इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ऑफ वन एंड वन, राइट, वन एंड वन. तो कितना मिलेगा दोनों का बच्चों, वन ही मिलेगा. ठीक है, अच्छा ओके. वन स्टार डैश टू इज इक्वल टू आप लिख सकते हो एच सी एफ ऑफ वन एंड वन था सॉरी वन एंड वन, तो वन एंड टू अगेन इन दोनों का एच सी एफ बच्चों क्या आएगा, वन. ठीक है, ऐसे वन स्टार डैश थ्री इज इक्वल टू अगेन क्या आएगा, एच सी एफ ऑफ वन एंड थ्री. सो यू गॉट अगेन द आंसर इज इक्वल टू वन, राइट. चलो सिमिलरली टू स्टार डैश यूजिंग द अबो टेबल, सो द एच सी एफ ऑफ ओके टू एंड वन इज इक्वल टू अगेन वन. सिमिलरली टू स्टार डैश टू, तो अगेन एच सी एफ ऑफ द टू नंबर्स ऑफ ए एंड बी, मतलब टू एंड टू, टू एंड टू, सो वी गॉट टू, राइट. सिमिलरली सो हैज अब लिख सकते हैज सो ऑन, ऐसे जितने भी हमारे टेबल के अंदर था. ओके, ऑल्सो वी डिफाइन दिस ऑल्सो बाय द टेबल के वन, वो भी कितना है बच्चों, वन ही आया, राइट, जो आगे के में थे. तो वन स्टार वन इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, वन. ठीक, वैसे वन स्टार टू इज इक्वल टू भी क्या मिला हमें, वन ही मिला था. ओके, ऊपर के टेबल में देखा था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर. सिमिलरली वन स्टार थ्री इट इज ऑल्सो गेट दी वन, क्योंकि मिनिमम था. फिर वन स्टार फोर सो इज इक्वल टू वन, एंड वन स्टार फाइव राइट इज इक्वल टू ऑल्सो वन, राइट. चलो सिमिलरली हियर द टू स्टार वन इज इक्वल टू वन, राइट. देन टू स्टार टू इज इक्वल टू टू. सिमिलरली टू स्टार थ्री इज इक्वल टू वन, टू स्टार फोर इज इक्वल टू टू. ओके, मैं आगे की टेबल की बात कर रहा हूँ. ओके, फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, तो ऐसे हमें ये सारे रिजल्ट्स मिले थे, राइट. ओके, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि चलो एंड सो ऑन, राइट. ऐसे जितने भी 5-5 तक थे हमारे पास सेट 1, 2, 3, 4, 5 है, ऐसा है. तो सीधी बात है, तो ए क्या दिखाता है, तो विश सो दैट बच्चो विश सो दैट के स्टार डैश
एंड स्टार फंक्शन, स्टारडस्ट एंड स्टार फंक्शन ओके आर सेम ऑपरेशन। ओके बच्चों दोनों क्या है, सेम ऑपरेशन है, क्योंकि आपने देखा था नॉर्मली क्या था बच्चों, फॉर ऐसे 1 2 3 4 5 राइट ऐसे, फिर सामने ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे राइट आपने देखा था, फिर ऐसे ब्रैकेट था राइट, और हम लोग ऐसे इंडिकेट करते जाते थे। चलो याद आया बस, तो ये वाला टेबल एक्चुअल में उसी के साथ था राइट, हमने इसी का यूज किया, तो दोनों का सेटिंग का जो भी है वो मेजर होके हमें ऐसे मिला था जो टेबल ऑलरेडी था सम के अंदर। चलो क्लियर, सो दे आर द सेम ऑपरेशन, तो बात खत्म, हमने आंसर को हमने जस्टिफाई कर दिया। चलो क्लियर नाउ, अब शुरू कर रहे क्वेश्चन नंबर 6। ओके क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ दैट ओके लेट्स सी दैट हियर। क्वेश्चन नंबर 6 राइट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लेते। क्वेश्चन नंबर 6 से लेट द स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एंड, ओके ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, हमने अभी देखा वो एचसीएम था राइट, और ये क्या है एलसीएम है, क्या है एलसीएम राइट, तो एलसीएम हम लोग नॉर्मली क्या लेंगे एचसीएफ की तरह है, लेकिन किसका लेना है ए स्टार बी इज इक्वल टू एन, क्या दिया है ए स्टार ओके, तो चलो लेट्स सी दैट क्वेश्चन नंबर 6 ओके, तो पहले तो यहां पे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर के अंदर, सो हियर मेरे पास है ए स्टार बी इज इक्वल टू हमारा जो फंक्शन स्टार फंक्शन है एलसीएम ऑफ LCM of A and B, A and B था राइट right? चलो अब हमने सम के अंदर देख लिया विच इट बिलोंग्स टू N राइट, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा इसी के अंदर ओके, द क्वेश्चन इज 5 स्टार 7 ओके 5 स्टार 7 ओके एंड कॉमा विस्ट मतलब 20 स्टार 16 राइट ऐसे है हमारे पास राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ओके, फर्स्ट यहाँ पे बहुत सीधी बात है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 स्टार 7 इज इक्वल टू क्या है हमारा फंक्शन एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, एलसीएम ऑफ द 5 एंड 7 राइट, तो आएगा बच्चों कितना आएगा 5 और 7 का LCM 35 राइट ओके, दोनों प्राइम नंबर से इसकी वजह से ना, देन आफ्टर 20 स्टार 16 इज इक्वल टू LCM ऑफ ओके 20 एंड 16 राइट, 20 एंड 16 राइट, दोनों कौन से टेबल में, 4 के टेबल में आते हैं, 4 5 जार एंड 4 6 जार, तो उस 4 को कॉमन निकाल दो 420, 24 जार 80, so the LCM here कितना आ जाएगा 80, चलो राइट, तो ये हमारा LCM आ गया बच्चों राइट, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, खाली हमें ढूंढना ही था belongs to N है इसके लिए। चलो नंबर 2 खत्म हो गया, तो नंबर 2 में क्या दिया इज स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव ओके, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि इज अ स्टार फंक्शन इज कॉम्यूटेटिव राइट, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या था ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए राइट right? तो चलो चेक कर लेते हैं 5 स्टार 7 इज इक्वल टू क्या है एलसीएम ऑफ क्या बच्चों लिखा है यहाँ पे एलसीएम ऑफ चलो इसको डायरेक्टली कर देते एल स्टार है ओके फंक्शन क्या था हमारा कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या था फंक्शन इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो हम मान ले कि ए एंड बी विच इज बिलोंग्स टू एन
राइट ओके तो इधर क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, टू नंबर्स ए एंड बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ नॉर्मली आप लिख सकते हैं 5-7 या 7-5 का एलसीएम तो क्या होगा, सेम ही होगा राइट right? तो इज इक्वल टू क्या आया, ओके ए एंड बी, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को बी स्टार ए, क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी स्टार ए राइट right? तो यहाँ पे तो मुझे एक चीज मिल गई, क्या मिली, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए राइट ओके। तो अगर आपने ए, आपको नॉर्मली समझ में आ गया ए स्टार बी, तो ए किस मतलब ए क्या है, राइट तो ये क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया। तो ऑल्सो तो हम लोग नॉर्मली कह सकते हैं राइट के सो ऑपरेशन स्टार कौन सा है, ओके सो द ऑपरेशन, सो द ऑपरेशन स्टार राइट नॉर्मली, सो द ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव है। चलो आगे बढ़ते अब इसके लिए थोड़ा, अब हमें क्या प्रूव करना है, एसोसिएटिव, क्या प्रूव करना है, सेकंड क्वेश्चन इज एसोसिएटिव ओके। चलो कोई बात नहीं, तो चेक कर लेते हैं उसको एसोसिएटिव के लिए, यहाँ पे एसोसिएटिव है कि नहीं राइट। सो जस्ट लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एन, सॉरी नॉट आर, बिलोंग्स टू एन, एसोसिएट यहाँ पे दिया एन है इसीलिए, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, चलो एन राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग लिखते हैं कि ए स्टार एसोसिएटिव, लो ए स्टार बी एंड ब्रैकेट क्लोज स्टार सी, सो दैट मीन्स सबसे पहले तो एल सी एम ए बी की बात है, एल सी एम ऑफ ए बी ए एंड बी राइट एंड स्टार सी एज इट इज, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं एल सी एम ऑफ बच्चों ए एंड बी था और ए बी एंड सी आ गया, तो हम लोग क्या एल सी एम ऑफ इन टू ब्रैकेट एल सी एम ऑफ ए बी एंड सी, तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ए एंड बी था ओके और तीसरा कौन जुड़ गया ए एंड सी ओके, सो सीधा हो गया एल सी एम ऑफ ए बी एंड सी, क्या हो गया ए बी एंड सी, चलो क्लियर। तो सीधी बात है, मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं ओके। अब दूसरा चेक करते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है वैसे ही द सेम हैज द अबव, सो ए एज इट इज स्टार फंक्शन ओके, सो बी स्टार सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एल सी एम ऑफ बी एंड सी राइट ओके। अब फिर से हमारा ए बन गया, तो क्या एल सी एम ऑफ इन टू ब्रैकेट ए इंक्लूड हो गया ना ओके, क्या हो गया ए इंक्लूड हो गया, तो आप लिख सकते हो ए एंड LCM of B and C, चलो क्लियर। नाउ तो सीधी बात है LCM of क्या हो गया A B and C राइट, तो यहां पे मुझे मिला कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू यहां पे A स्टार B स्टार सी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं कि ए स्टार बी ओके स्टार सी मुझे मिला, सो द सिंपल, सो द ऑपरेशन कैसा है,
इज एसोसिएटिव, राइट, द एसोसिएटिव। चलो क्लियर, आगे बात समझ में, तो आगे क्वेश्चंस बढ़ते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चंस को यहाँ पे ले लेते हैं। चलो आगे क्या दिया हमें क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ द स्टार फंक्शन इन एन, ओके आइडेंटिटी फंक्शन। तो हमने उस टाइम पे प्रॉपर्टी देखी थी, पहली बार आइडेंटिटी है, तो डेफिनेशन क्या थी, तो चलो उसके लिए करते हैं बच्चों लेट, ओके द क्वेश्चन नंबर इसी का 4। सो लेट ई विच इज बिलोंग्स टू एन विद आइडेंटिटी एलिमेंट्स, विद द आइडेंटिटी, राइट। चलो हमारे पास आइडेंटिटी इज गिवन दैट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो क्या होता है बच्चों, बाय डेफिनेशन ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, इट इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट्स, राइट, ओके। तो चलो चेक कर लेते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या है बच्चों, ए एंड बी इज इक्वल टू ए एन ई, हम लोग फंक्शन ई को चेक कर रहे हैं, तो ए एन ई लिखना पड़ेगा, बी ने ई, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, सो ई एंड एल सी एम ऑफ ई एंड ए, ओके दोनों इक्वल, इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए, राइट, इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। सो सिंपल आपका जो आंसर आया वो, सो देयर फॉर एल सी एम ऑफ ए एंड बी, यहां पे बी कौन है, ई, सो एल सी एम ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए यहाँ पे हमारे लिए, राइट। तो देखो इज इक्वल टू ए एन ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए, मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। सो सो ई इज टेंस टू वन इंप्लाइज दैट, ओके वन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है, राइट। सो इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन क्या होगा, वो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, क्या हो गया बच्चों, इज इक्वल टू वन इज अवर आइडेंटिटी एलिमेंट्स, राइट, ओके। तो चलो क्योंकि और कोई नहीं था इसीलिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या लिखा है, विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इनवर्टिबल फॉर द ऑपरेशन, ओके इनवर्टिबल मतलब इनवर्स, राइट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, अभी आगे आपने जो किया था बस उस ऐसे ही डेफिनेशन के थ्रू जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो के मेरे पास a इज इक्वल टू वन ले लेता हूं, b इज इक्वल टू वन विच इज बिलोंग्स टू n, बहुत इजी है, ओके। तो मुझे बताओ कि a स्टार b इज इक्वल टू क्या आएगा, a स्टार b, सो l स्टार b क्या है यहाँ पे, LCM ऑफ a एंड b, राइट। तो a और b क्या है, वन वन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बच्चों, वन, क्योंकि a वन b वन है, तो इज इक्वल टू वन, राइट। सो सिंपल है, तो यहां पे मुझे बताओ कि सपोज वी टेक क्या करेंगे, ए एंड बी, वी टेक ए एंड बी, देन ए एंड बी अदर देन वन, सपोज हम लोग वन के अलावा ले रहे हैं, अदर देन वन, अब वन के अलावा लो तो क्या होगा, देन बताओ अगर हम लोग वन के अलावा ले रहे हैं तो सीधी बात है बच्चों, ए स्टार बी विच इज डज नॉट इक्वल टू वन, राइट, वन नहीं आएगा, तो सिंपल है वन के अलावा, सो वन इज इनवर्टिबल, वन इज अ इनवर्टिबल फॉर कौन सा ऑपरेशन, फॉर दी ऑपरेशन, फॉर द ऑपरेशन स्टार, बराबर है, राइट। तो उसके लिए है, तो ओनली वन इज इनवर्टिबल फॉर द ऑपरेशन, चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7,
नो, क्वेश्चन नंबर सेवन। तो क्वेश्चन नंबर सेवन नॉर्मली क्या दिया है वो चेक कर लेते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है, इज द स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज बाइनरी ऑपरेशन। ए बाइनरी है, चेक करना एंड जस्टिफाई अवर आंसर, राइट। ऐसा दिया है सबसे पहले हमें, तो कोई बात नहीं। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, ए स्टार बी आपको दे दिया है एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो कोई नंबर हम लोग एजम्पशंस कर लेंगे, राइट। फिर पता चल जाएगा कि होता है कि नहीं होता, राइट। चलो देख लेते हैं। तो फिर सेवन के अंदर है हमारे पास सेट ए, क्या था सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये सेट ए था, राइट। ओके, अब ए ए स्टार बी क्या है, राइट। तो ए स्टार बी इज एलसीएम ऑफ ए एंड बी, क्या था बच्चों, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ओके, अल्टीमेटली हमारे पास था ए एंड बी, राइट। चलो एजम्पशन कर लेते हैं, मान लो कि ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5। अब ध्यान से देखना एलसीएम ऑफ, सो ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 स्टार 5। तो यहाँ पे तो हमें एलसीएम मांगा है ना, तो क्या एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू 15, कितना आ गया 15। ओके, विच इज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर ए ए क्रॉस ए में नहीं आता तो उसका मतलब क्या हुआ बच्चों, राइट, है ही नहीं ना। सो ऑपरेशन स्टार इज नॉट अ बाइनरी, सबसे पहला बाय डेफिनेशन होगा ए बाइनरी नहीं है, ओके, नॉट अ बाइनरी ऑपरेशंस। चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, ऐसे ही हम लोग आगे किया जैसे एलसीएम लेके, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, ठीक वैसे इसको आपको 8 में अप्लाई करना है। वहां पे एलसीएम था, यहाँ पे एचसीएफ है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, वो चेक करना है, राइट। ओके, सो नाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन योर सेल्फ, ओके, बहुत इजी है, आप कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 9 एक एक करके सॉल्व करेंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू, ओके, ऑन क्यू है, ऑफ द रेशनल नंबर्स एज फॉलोस। तो 1 2 क्या ए स्टार बी ए माइनस बी, 1 2 3 4 5, 6 क्वेश्चन है, चलो इसको फॉलो करते रहते हैं। और क्या कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्पिटिटिव एंड विच आर एसोसिएटिव, वो भी चेक करना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। ओके, चलो तो सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो ऑन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 उसका फर्स्ट, राइट, यहाँ पे हमारे पास है क्या दिया है, लेट क्यू था, सो ए एंड बी विच इज बिलोंग्स टू क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सो ए स्टार फर्स्ट बी इज इक्वल टू क्या दिया था, ए माइनस बी, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, ओके, रेशनल आता है, बट बी स्टार ए बच्चों और बी माइनस ए, तो सीधी बात है माइनस बी और बी माइनस ए ये सेम नहीं है, आप लिख सकते हो कि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, सीधी बात है, राइट। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, सो सो ऑपरेशन स्टार इज नॉट, ओके, सबसे पहले कॉम्यूटेटिव ही नहीं है, तो इज नॉट कॉम्यूटेटिव। चलो नंबर टू पे चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले बराबर एसोसिएटिव भी एक बार चेक कर लेते हैं,
क्योंकि है कि नहीं ये भी चेक करना है, हमें ऐसा बताया गया है, तो फिर चेक तो करना ही पड़ेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। लेट एसोसिएटिव आया तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी ओके एंड सी विच इज बिलोंग्स टू क्यू। सो ए स्टार बी ब्रैकेट क्लोज ओके स्टार सी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया था ए स्टार बी पहले, तो ए स्टार बी क्या था ए माइनस बी स्टार सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी आएगा। सिमिलरली ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, तो ए स्टार तो एज इट इज रहेगा बी, तो यहाँ पे क्या गया फंक्शन बी माइनस सी है, सो देयर फॉर ए स्टार तो ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, तो अगेन ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू राइट ए स्टार बी ओके स्टार सी ओके, तो ये एसोसिएटिव भी नहीं है। सो द ऑपरेशन स्टार इज नॉट अ एसोसिएटिव राइट ओके। चलो आगे बढ़ते हैं नंबर टू पे। नंबर टू, तो नंबर टू क्या है हमारे पास ए स्टार बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके। सो लेट ए बी बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू क्यू। चलो फंक्शन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट एंड बी स्टार ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो सिंपल ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो रहा है यहाँ पे बराबर है, तो ए सीधी बात है इक्वल टू, तो ये क्या है द स्टार इज अ ओके कॉम्यूटेटिव है यहाँ पे। सो लेट ए बी ओके सी विच इज बिलोंग्स टू क्यू। सो सबसे पहले ए स्टार बी ओके स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी का हम लोग मतलब क्या निकाल सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट स्टार सी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर हो गया राइट। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, सिमिलरली मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था राइट, तो यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होना चाहिए ना ए स्टार बी, तो ए स्क्वायर राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस सी स्क्वायर, तो इसका सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें ए रेस टू फोर प्लस बी रेस टू फोर प्लस टू टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर एज इट इज राइट, प्लस सी स्क्वायर हमें एज इट इज रखना पड़ेगा ओके। चलो ठीक वैसे ए स्टार बी स्टार सी मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं, सो ए स्टार देखो बी स्टार सी की जगह पे क्या लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नाउ ए, तो इन दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म कौन है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर। चलो स्प्लिट कर दो ए स्क्वायर प्लस बी रेस टू फोर प्लस सी रेस टू फोर प्लस टू टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे सीधा आंसर बच्चों दोनों इक्वल नहीं आ रहे राइट, यहाँ पे हमें सीधे मिल रहा है कि दे आर नॉट इक्वल राइट। सो आप कह सकते हो कि ए स्टार बी स्टार सी इज डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी ओके। सो ओके नो इट इज नॉट अ दिस वन इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है बच्चों। चलो क्लियर आगे क्वेश्चन नंबर थ्री इसी का थ्री ओके। तो अगेन लेट ए बी बिलोंग्स टू क्या है बच्चों क्यू, ए बी बिलोंग्स टू क्या है क्यू, तो यहाँ पे फंक्शन आपका है ए स्टार बी इज इक्वल टू राइट ए स्टार बी क्या है हमारे पास यहाँ पे
ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स, सो बी स्टार ए राइट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, पहला टर्म एज इट इज एंड प्लस बी ए या ए बी इज इक्वल राइट। तो अगेन हियर ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो क्या है, ओके नो इट इज ऑल्सो द नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कर रहा है, चलो क्लियर, तो इज नॉट अ कॉम्यूटेटिव। तो लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू क्यू, सो चेक दिस, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल, पहले ए स्टार बी तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज एंड स्टार अगेन। तो हमने क्या लिखा था, ए प्लस, तो ए प्लस फंक्शन कौन है, ए प्लस ए बी है एंड प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो सी इंटू क्या लिख सकते हो, ए प्लस ए बी, तो स्प्लिट कर दो बच्चों, ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ऐसा आंसर आया अगर आप स्प्लिट करते हो तो राइट। चलो ठीक, वैसे चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू राइट, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार एज इट इज, बी स्टार सी में मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो क्या बी प्लस बी सी, अब फिर से ए प्लस, तो ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी सी, स्प्लिट कर देते, सो ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी, ए बी प्लस ए बी सी, तो चेक करो आंसर, एक में ए बी, ए बी प्लस ए सी, ओके एंड ए बी सी आता था, तो एक एक टर्म ज्यादा आ रहा है राइट। तो सीधी बात है यहां पे कि ए स्टार बी राइट स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो सीधी बात है दिस इज ऑल्सो द नॉट एसोसिएटिव, चलो क्लियर, ओके आगे बढ़ते बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फोर राइट, क्या दिया है, फोर, ओके तो चलो चेक कर लेते हैं फोर यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर फोर, लेट लेट ए बी बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग्स टू क्यू है, ओके तो फंक्शन हमारा फोर में डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, स्प्लिट कर दो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, चलो मैंने बना दिया राइट। तो सीधी बात है ना, इसको आप लोग ऐसा बी माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, तो ए क्या हो गया, बी स्टार ए हो गया राइट। तो सीधी बात है बच्चों, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए मिलता है, तो ये क्या है, क्या आप कह सकते हो, इट इज ऑल्सो द ओके कॉम्यूटेटिव, चलो कॉम्यूटेटिव है राइट। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, तो सबसे पहले ए स्टार बी राइट एंड स्टार सी इज इक्वल टू ए माइनस बी स्क्वायर एंड स्टार सी राइट। तो नॉर्मली क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस सी होल स्क्वायर ऐसे राइट। तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, तो देखो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी राइट, ए माइनस बी है ए माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी राइट, टू ए बी उसका स्क्वायर माइनस सी सबका होल स्क्वायर हो गया राइट। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया इसीलिए, तो हमें ऐसा मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस सी होल स्क्वायर राइट। अब चलो ठीक, वैसे ए स्टार बी स्टार सी राइट, तो क्या होगा, फर्स्ट ए तो एज इट इज, हमें तो पहले इसका करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या मिला, बी माइनस सी होल स्क्वायर, क्या मिला,
बी माइनस सी होल स्क्वायर, नॉर्मली मैं लिखता हूँ बी माइनस सी होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा फिर से अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो, ओके तो नॉर्मली आ गए आपके पास ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर और उसका बी स्क्वायर, तो पूछने के अंदर का ही ए माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 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 प्लस टू बी सी ए प्लस एंड माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट ए वाला टर्म्स आ गया, राइट अच्छा दिस मैंने तो स्प्लिट कर दिया है इसीलिए, ओके तो देखो आंसर सेम मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है ना, यस तो आपने बराबर ए दोनों आंसर हमें यहाँ पे इक्वल नहीं मिल रहा है, तो सीधी बात है ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, चलो क्लियर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं इसके लिए, तो नॉट एसो सी एड यू, राइट इट इज नॉट अ एसोसिएटिव, चलो क्लियर कितना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर फाइव चेक कर लेते हैं ठीक वैसे, ओके तो लेट्स सी दैट क्वेश्चन नंबर फाइव में अगेन ले पहले तो कॉम्पिटिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू क्यू बच्चों फंक्शन इज डिफाइंड बाय, सो ए स्टार बी विच इज डिफाइंड बाय ए बी बाय फोर क्या है, ओके तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए बाय फोर, तो इज इक्वल टू क्या आ गया बी स्टार ए आ गया, सो हियर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो दिस वन इज अ कम्यूटेटिव, चलो आगे बढ़ लेते हैं, सो ये तो कम्यूटेटिव हो गया, सो लेट ए बी सी विच इज बिलोंग्स टू क्यू, सो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू राइट, तो पहले तो ए बी बाय फोर बच्चों एंड स्टार सी तो प्रोडक्ट हो जाएगा फोर एंड बाय फोर, तो आपका आएगा ए बी सी बाय कितना आ जाएगा बच्चों सिक्सटीन, राइट कितना आ जाएगा सिक्सटीन राइट, यहाँ पे तो ए बी सी बाय सिक्सटीन आ गया, सिमिलरली ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट, तो पहले ए तो एज इट इज रहेगा बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बी सी, तो फंक्शन क्या है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइड बाय फोर, सिमिलरली इधर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो ए बी सी फोर इंटू फोर कितना हो जाएगा सिक्सटीन, सो यहाँ पे तो हो गया ए स्टार फंक्शन बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ओके स्टार सी फंक्शन, तो आप कह सकते हो इट इज ऑल्सो द एसोसिएटिव राइट, क्यूमिटिव के बाद ए एसोसिएटिव है, चलो क्लियर आ गया, बस तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लास्ट वाला क्वेश्चन अब खुद सॉल्व कर सकते हो, ओके तो चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर टेन पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टेन जो है फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज नो ओके हैज ऑन आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आया तो एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, ओके सो क्वेश्चन नंबर टेन, हाँ यही चेक करना है ना राइट ये वाला, तो चलो आगे बढ़ते हैं, टेन फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशंस गिव अबव हैज आइडेंटिटी, अबव हैज आइडेंटिटी राइट, देख लेते अब वो फंक्शंस के बाद है, तो टेंथ वाला हमने जो किया नाइन क्वेश्चन उसी का डेटा यूज करना है इसी के अंदर, ओके तो चलो तो याद रह गया, तो अब ओके सो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर टेन फर्स्ट, ओके तो लेट E belongs to as a function which is Q with the identity elements, right? With the identity elements, right? बच्चों
जब भी आइडेंटिटी आए तो आपको ई ले लेना है, बट जिसके ऊपर डिफाइन है उसके ऊपर, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन क्या कहता है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू, ओके ई स्टार ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा, क्या मिलेगा ए। तो मान लो कि ए माइनस ई इज इक्वल टू, पहले में तो ए माइनस बी था ना, तो ई माइनस ए होगा, ओके यहाँ पे फर्स्ट के अंदर ई माइनस ए, राइट क्यू पे है तो इज इक्वल टू ए, राइट। तो इज इक्वल टू ए बन रहा है, सो आप कह सकते हो ना कि देयर इज, ओके देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ, देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ ई विच सेटिस्फाई अबोव द इक्वेशन, राइट। ए माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस ए आए तो ऐसा कोई क्यू में ओके एलिमेंट्स नॉर्मली मिल सकता है, तो के कोई एलिमेंट्स नहीं है, ओके नहीं करता, तो आप कह सकते हो सो देयर एग्जिस्ट्स, देयर एग्जिस्ट नो आइडेंटिटी, राइट, नो आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन क्यू, इन क्यू। चलो आगे बढ़ते नंबर टू की ओर। इसमें फंक्शन क्या था, तो सीधे बात था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों क्वेश्चन में। सो लेट ई विच इज बिलोंग्स टू क्यू विद आइडेंटिटी एलिमेंट्स, पहले लिख ही देना है विद, चलो आइडेंटिटी एलिमेंट्स, राइट क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, राइट ओके चेक करते बच्चों। तो क्या आना चाहिए, ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू, हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए वापिस, राइट। तो चलो आप सोचो कि ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इसका, और इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिलना चाहिए, राइट क्या मिलना चाहिए ए। यहाँ पे तो अगेन देयर एग्जिस्ट, अगेन देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ ई विच सेटिस्फाई which satisfies above value, above equation, so ऐसा कोई हमें equation का satisfy ऐसी value नहीं मिल रहा है, right? तो हम लोग क्या कह सकते हैं, so therefore no identity, there exists no identity elements किसके ऊपर है, elements in Q, भाई चलो ये हो गया ऐसे ही, चलो क्लियर समझ में आ गया। तो ऐसे नंबर क्वेश्चन फोर और फाइव हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो चलो फोर चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर हमें क्या दिया है, फोर और फाइव। तो फोर में भी बच्चों ई बिलोंग्स टू क्यू है, तो ए माइनस ई होल स्क्वायर और ई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, राइट। तो क्या करते हैं यहाँ पे सेम चीज मिलेगी, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो चलो फिफ्थ वाला ट्राई करके देखते हैं, ओके थ्री भी हमने नॉर्मली कर दिया है कि थ्री फोर ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो इसकी वजह से, राइट। तीनों में जो है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर, ओके कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, तो यू जस्ट चेक दिस। चलो फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाला हमारे पास क्या है, तो फिर से लेट क्या करेंगे, ई विच इज बिलोंग्स टू क्यू बच्चों, राइट ओके। सो बी द
दी आइडेंटिटी फंक्शन एलिमेंट्स कह सकते हो, पहले तो ई तो एलिमेंट्स है राइट, तो फंक्शन क्या था बाय डेफिनेशन ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार ए इज इक्वल टू ए आंसर मिलना चाहिए, बट आपका फंक्शन था कि ए बाय फोर ओके इज इक्वल टू ए मिला राइट, तो सीधी बात है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू ई ए बाय फोर राइट, हो रहा है यहाँ पे ओके okay. अब क्या करेंगे e by 4 is equal to a, it implies that दोनों में अब अगर आप चाहो तो a कट तो e is equal to क्या मिल रहा है 4, फिर both case e is equal to 4, तो आप कह सो e is equal to 4 is the identity एलिमेंट ओके इन क्यू, मान लो क्योंकि फोर क्या है क्यू में आता है रेशनल नंबर में तो आता है, चलो क्लियर, तो सेटिस्फाई मिल गया बच्चों यहाँ पे ए की में, उसके बाद वाला भी है जो क्वेश्चन नंबर सिक्स उसमें भी हमें क्या मिलेगा क्योंकि नहीं होता, सो दैट्स व्हाई इट इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर देयर, चलो क्लियर ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 लेट ए फॉर एन क्रॉस एन एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी एंड बी प्लस डी ओके एंड सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द स्टार फंक्शंस ऑन ए ओके ऑन इफ एनी, कोई बात नहीं, तो चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो सॉल्व कर देते बच्चों इसको भी हम लोग, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया था यहां पे लेट टू पेयर यू हैव ए बी सी डी विच इट बिलोंग्स टू ए इज ऑलरेडी गिवन ओके, लेट्स स्टार्ट फंक्शन, सो ए बी फंक्शन स्टार्ट यहां पे सी डी सी डी इज इक्वल टू क्या दिया है हमें यहां पे ए प्लस सी एंड बी प्लस डी राइट ओके, तो इज इक्वल टू सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एलिमेंट प्लस है तो आप ऐसा लिख सकते हो सी डी पहले में स्टार क्या आ गया ए बी राइट, तो ए अल्टीमेटली क्या बच्चों इक्वल मिल रहा है ना, देखो तो क्या आ गया ए बी फंक्शन स्टार सी डी इज इक्वल टू सी डी ओके स्टार फंक्शन ओके ए बी राइट, तो आप क्या कह रहे हैं दिस वन इज अ बाइनरी, सो ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव लेट, तीन पेयर की जरूरत पड़ेगी ए स्टार बी सी डी एंड थर्ड एलिमेंट्स ओके ई एफ विच इज ऑल बिलोंग्स टू ए, सब क्या है ए के ऊपर डिफाइन ओके चलो, तो ए के ऊपर है तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ राइट, तो एक्चुअल में फंक्शन क्या था ए प्लस बी, तो पहला तो एज इट इज ए प्लस सी बी प्लस डी स्टार ई एफ
तो नॉर्म्स के हिसाब से क्या है, ए प्लस सी इंटू ब्रैकेट प्लस ई मैं लिख सकता हूं या कॉमा, फिर बी प्लस डी ओके एंड प्लस एफ भी लिख सकता हूं। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ए प्लस यहां पे सी प्लस ई लिख सकता हूं कॉमा बी प्लस डी प्लस एफ भी लिख सकता हूं। सो दिस वन इज इंडिकेट दैट ये देखो ए प्लस सी आ गया हमारा, तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं ओके तो ओके कैसे तो कि ए बी स्टार फंक्शन सी प्लस ई यानी सी डी सी और डी ओके एंड स्टार ई एन एफ राइट, इसकी वजह से सी प्लस ई और डी तो लिख सकते हैं ना सी ई डी ओके। तो ए क्या आ गया ए बार आ गया ओके तो आप लिख सकते हो ए बी पैर ओके ए और ए क्या हो गया सी डी तो फंक्शन स्टार सी डी ओके एंड स्टार ई एफ राइट तो ये दोनों इक्वल हो गए राइट तो आप कह सकते हो सो ऑपरेशन बच्चों सो ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव क्या हो गया बच्चों ये एसोसिएटिव हो गया। अब चेक करना है आइडेंटिटी फंक्शंस तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी के लिए आप जानते हो बराबर पहले तो ई डिफाइन करेंगे फिर ए स्टार ई इज इक्वल टू हमें ई स्टार इज इक्वल टू ए मिलना चाहिए ओके सो लेट हियर यहाँ पे सो लेट फर्स्ट सबसे पहले ई ओके ई की पहले ले लेते हैं एक्स वाई विच इट बिलोंग्स टू ए बी डी आइडेंटिटी फंक्शंस आइडेंटिटी एलिमेंट्स ए स्टार बी ओके स्टार ई मान लेते हैं राइट इसके अंदर स्टार निकल कोमा है पैरल इसलिए ओके इज इक्वल टू ए स्टार ए कॉमा बी एक पैरल तो हमें आंसर क्या चाहिए ए तो ए कौन है ए बी ओके तो चलो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं ए बी स्टार यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्टार फंक्शन ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी तो फंक्शन क्या था तो ए प्लस एक्स होता था कॉमा बी प्लस वाई होता था ठीक वैसा एक्स प्लस ए कॉमा बी वाई प्लस बी राइट इज इक्वल टू ए बी राइट दोनों अलग अलग है ओके इसीलिए तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ ए बी अलग लिख देते हैं पहले ए बी तो यहाँ पे आ गया ए प्लस एक्स कॉमा बी प्लस वाई इज इक्वल टू ओके कार्टेशियन पैर ए बी पहले इसकी बारी राइट फिर आप हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक्स प्लस ए कॉमा y प्लस बी इट इज ऑल्सो द ए कॉमा बी राइट चलो चेक कर लेते हैं तो मुझे क्या मिला a प्लस एक्स इज इक्वल टू ए तो x इज इक्वल टू जीरो मिला सिमिलरली b प्लस y इज इक्वल टू बी मिल रहा है तो कैंसल तो y इज इक्वल टू जीरो राइट ओके तो x जीरो y जीरो मिला राइट तो बहुत सीधी बात है हम लोग लिख सकते हैं तो क्या सो इज इक्वल टू क्या पेयर मिली आपको जीरो जीरो क्या मिल गया जीरो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट्स बन गया राइट एलिमेंट्स इन ए चलो आइडेंटिटी था तो क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बहुत आसान है
क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट तो यहाँ पे बताया है कि फोर, फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर एन आर्बिटरी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट एन, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, देन ऑल ए बिलोंग्स टू ए। फंक्शन ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, ओके, फॉर ऑल ए विच इज बिलोंग्स टू एन, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। तो देखो यहाँ पे तो मान लो कि जो भी है आपका ए प्लस बी के तौर पे, हाँ तो यहाँ पे तो क्या होगा, नहीं होगा, ओके। तो सीधी बात है स्टेटमेंट, क्योंकि टू प्लस टू यहाँ पे ए आना चाहिए और फंक्शन डिफाइंड बाय ए प्लस बी है, ए स्टार ए इज इक्वल टू मान लो ए प्लस बी, यहाँ पे ए है तो ए, ओके। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके, तो बी प्लस ए तो ए हो जाएगा, राइट। यहाँ पे तो फंक्शन जो है ना, ओके, ए प्लस बी, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, बाइनरी है, ओके। पहले तो फॉर एनी एन आर्बिटरी बाइनरी स्टेट वेदर, ओके, चलो यहाँ पे क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, मान लो कि ए स्टार बी है इज इक्वल टू, अब हम लोग लिख रहे थे ए स्टार ए इज इक्वल टू ए प्लस ए होगा, और ए प्लस ए मतलब क्या होगा, मान लो अगर मैं टू लेता हूँ तो टू प्लस टू क्या हो जाएगा, फोर, ए तो हमारा टू था लेकिन आंसर क्या मिल रहा है, फोर, तो इट डज नॉट इक्वल टू टू, राइट। सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके, इज फॉल्स। चलो क्लियर, आगे बच्चो, राइट। सो सेकंड के अंदर यहाँ पे ए बी सी विच इज बिलोंग्स टू एन ले लेते, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार, ओके, सी स्टार बी इज इक्वल टू सी स्टार बी एंड स्टार ए, राइट। हाँ तो ए तो हो रहा है ना, हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, सो स्टेटमेंट इज ट्रू, वो सही है। तो सेम 13 में भी बच्चों ऐसा ही करना है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, राइट। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, डिफाइन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, चूज द करेक्ट आंसर ए बी सी डी, राइट। तो क्या देखो, अब बोथ द एसोसिएटिव एंड कॉम्पिटेटिव फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे विच आर करेक्ट बोला है, राइट। तो अगर एसोसिएटिव है और कॉम्पिटेटिव है, तो ए स्टार बी और बी स्टार कॉम्पिटेटिव तो हो रहा है, एसोसिएटिव में इज नॉट पॉसिबल, ओके, ए क्यू प्लस बी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब होल क्यूब आएगा, तो एसोसिएटिव तो नहीं है, बहुत सीधी बात है। तो क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इज राइट, कॉम्पिटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, चलो क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग पूरा ये ऑपरेशन पोर्शंस कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो एग्जाम के लिए आपको ये प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, ओके। फर्स्ट चैप्टर है, इसीलिए 1 2 3 है, वो सारे हो गए ऑलरेडी आपके कंप्लीट है। सो फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 हमने वीडियो से पढ़ा है, राइट। चलो टिल देन एंड बाय बाय।